जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर इस बार दो महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं। ये संयोग भारत और दुनिया के लिए खुशहाली ला सकते हैं। संयोग के कारण देश और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जन्मोत्सव यानी बसंत पंचमी 29 जनवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन सिद्धि व सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे दो शुभ मुहूर्त का संयोग भी बन रहा है। इस कारण ज्योतिषा शास्त्र के अनुसार इसे वागदान, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों व अन्य शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की आराधना के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी रहेंगे। ज्योतिषाचार्य की माने तो बसंत पंचमी इस बार विशेष रूप से श्रेष्ठ है। वर्षों बाद ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति इस दिन को और खास बना रही है। इस बार तीन ग्रह खुद की ही राशि में रहेंगे। मंगल वृश्चिक में, बृहस्पति धनु में और शनि मकर राशि में होंगे। विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए ये स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त वाले पर्व की श्रेणी में शामिल है, लेकिन इस बार वीरवार और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होने से सिद्धि योग बनेगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा। दोनों योग रहने से बसंत पंचमी की शुभता में वृद्धि होगी। वैसे तो बसंत पंचमी को लेकर इस बार पंचांग भेद भी है, इसीलिए कुछ जगहों पर ये पर्व 29 और कई जगहों पर ये पर्व 30 जनवरी को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि बुधवार सुबह 10:46 से शुरू होगी, जो गुरुवार दोपहर 1:20 तक रहेगी। दोनों दिन पूर्वाहन व्यापिनी तिथि होगी। ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि विद्या पंचमी होने से शास्त्रोक्त रूप में 29 जनवरी बुधवार को बसंत पंचमी मनाना श्रेष्ठ होगा। वराह पुराण और माधव मतानुसार चतुर्थी विद पंचमी ही लेना श्रेष्ठ होता है। आइए जाने कैसे बनता है सिद्धि योग। वार, नक्षत्र और तिथि के बीच आपसी तालमेल होने पर सिद्धि योग का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप सोमवार के दिन अगर नवमी अथवा दशमी तिथि हो एवं रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, श्रवण और शतभिषा में से कोई नक्षत्र हो तो सिद्धि योग बनता है। बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग की। ये योग अत्यंत शुभ होता है। ये वार और नक्षत्र के मेल से बनने वाला योग है। वीरवार और शुक्रवार के दिन अगर ये योग बनता है तो तिथि कोई भी हो ये योग नष्ट नहीं होता है, अन्यथा कुछ विशेष तिथियों में यह योग निर्मित होता है। अब बात करेंगे कि इस दिन कैसे करनी चाहिए माँ सरस्वती की उपासना। सबसे पहले तो इस दिन सुबह सवेरे नहा धोकर पीले बसंती या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की शुरुआत करें। पीला वस्त्र बिछाकर उस पर माँ सरस्वती को स्थापित करें और रोली मौली केसर, हल्दी, चावल, पीले फूल, पीली मिठाई, मिश्री, दही, हलवा आदि का प्रसाद रखें। माँ सरस्वती को श्वेत चंदन और पीले तथा सफ़ेद पुष्प दाएं हाथ से अर्पण करें। माँ सरस्वती के मूल मंत्र एम सरस्वती नमः का जाप हल्दी की माला से करना सर्वोत्तम होता है। काले नीले कपड़ों का प्रयोग पूजन में भूलकर भी ना करें। तो इस प्रकार आप दो महत्वपूर्ण योगों की उपस्थिति में बसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और बने रहें जीवन कोश के साथ।